हेलो, मेरा नाम एकता है और किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नोटपैड। तो इस टॉपिक में हम नोटपैड के प्रैक्टिकल के बारे में सब कुछ देखेंगे। नोटपैड का थ्योरेटिकल वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पर भेज चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देखें। आज हम बात कर रहे हैं नोटपैड प्रैक्टिकल की, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नोटपैड ओपन कैसे करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स के बाद एक्सेसरीज, एक्सेसरीज के बाद नोटपैड, तो नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। सेकंड मेथड है, आप स्टार्ट मेन्यू को फिर से क्लिक करें, सर्च वाले ऑप्शन में जाकर नोटपैड टाइप करें और नोटपैड सेलेक्ट करके आप उसको हिट कर दें तो नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, कीबोर्ड पे विंडो बटन होता है, उस विंडो की के साथ आप आर को दबाइए, रन प्रॉम्प्ट ओपन होगा, उसमें नोटपैड टाइप कीजिए और नोटपैड खुल जाएगा। तो नोटपैड की जो विंडो खुली है उसमें सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके जस्ट नीचे मेन्यू बार है, उसके नीचे वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया के नीचे स्टेटस बार है। जो टाइटल बार है उसके राइट हैंड साइड में तीन बटन है, मिनिमाइज। मिनिमाइज बटन क्या करता है, आपका टास्क बार पर ले आता है आपकी एप्लीकेशन विंडो को, यहाँ से आप उठा लीजिए। मैक्सिमाइज बटन विंडो के साइज को बड़ा करने का काम करता है, और अगर विंडो का साइज बड़ा है तो यही रिस्टोर बटन का काम करता है और छोटा कर देता है, और क्लोज बटन विंडो को क्लोज करने का काम करता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की, अब जैसे मैं इसमें कुछ लिख रही हूँ, किरण टेक्नो क्लासेस, हम इस फाइल को सेव करते हैं। एक्चुअली पहले देखिए, आप पहले अनटाइटल लिखा आ रहा है टाइटल बार से। अब जैसे ही मैं फाइल वर्क मेन्यू में जाकर सेव पे क्लिक करती हूँ, तो सेव पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा, आपका हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते ही फाइल का नाम दे रही हूँ मैं आपको, नोटपैड। अब देखिए, यहाँ नोटपैड टाइटल बार पे नोटपैड आ गया और डेस्कटॉप पर भी नोटपैड का एक आइकन बन गया है, तो ये मेरी नोटपैड की फाइल सेव हो गई। अब आप टाइटल बार पे देखें, पहले अनटाइटल दिखा रहा था और अब नोटपैड डॉट टी एक्स से दिखा रहे हैं। मतलब टाइटल बार क्या करता है, नाम काम नाम देता है। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन टाइटल बार पर होते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा कंप्लीट फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। अब फाइल मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है न्यू। न्यू ऑप्शन क्या है, पहले से बनी नई फाइल को खोलने के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए, पहले नोटपैड आ रहा था, अब अनटाइटल्ड। ओपन में कमांड होती है, पहले से बनी हुई कोई भी फाइल है अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कमांड से आप उसे ओपन कर सकते हो। अगली कमांड इसमें सेव कमांड। देखिए, सेव कमांड मैं आपको यूज करके दिखा चुकी हूँ, हमने पहले क्या किया, सेव कर लिया था नोटपैड डॉट टीएक्सटी से। लेकिन अगर आप पहले से बनी कोई फाइल है और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो भी आप सेव कमांड से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सेव, पहली बार फाइल को सेव करते हैं तब भी आप सेव कमांड यूज करते हैं, और फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, सेव कमांड से उसको सेव कर सकते हैं। अपनी जो नेक्स्ट कमांड है वो है सेव एज। सेव एज क्या होता है, अगर आप इसी फाइल को की कॉपी बनाना चाहते हैं, मतलब किसी और इसी फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप नोटपैड कॉपी डॉट टीएक्सटी दीजिए सेव पे। आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, पहले नोटपैड फाइल थी, अब नोटपैड की एक डुप्लीकेट फाइल और तैयार हो गई है, नोटपैड कॉपी। इसके अलावा सेव एज का यूज किया जाता है आपकी फाइल को किसी अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए, जैसे वेब पेज फॉर्मेट में या बैच फाइल में। तो हम यहाँ नाम दे रहे हैं xyz.html, मैं इसको सेव कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिए डेस्कटॉप के आइकन पर, तो अब वेब पेज में ये फाइल सेव हुई है, ना कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो सेव एज, मैं एक बैच फाइल भी बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो बैच फाइल, तो ये बैच फाइल के तरह, तो सेव एज का यूज हम कर सकते हैं अपनी फाइल को कॉपी करने के लिए भी और दूसरे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की तरह सेव करने के लिए भी। अगला कमांड है पेज सेटअप। पेज सेटअप में पेज का साइज चूज कर सकते हैं कि प्रिंटर कौन सा सपोर्ट करता है, A4 है, लीगल है, लेटर है, जो भी पेज साइज आपका प्रिंटर सपोर्ट करता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओरिएंटेशन दे सकते हो, लंबाई में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट, और अगर चौड़ाई में प्रिंट करना है आपको तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन हम दे सकते हैं। उसके बाद मार्जिन सेट कर सकते हो पेज के चारों ओर का स्पेस, हेडर एंड फुटर लगा सकते हो। तो ये पेज सेटअप की सेटिंग्स हैं। उसके बाद अगली कमांड है अपनी प्रिंट कमांड। तो प्रिंट कमांड से आप क्या कर सकते हो, पेज को प्रिंट, प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, एरिया सेलेक्ट कीजिए, क्या प्रिंट करना चाहते हो कॉपी सेलेक्ट कीजिए, और प्रिंट पर क्लिक करते ही प्रिंट कमांड काम करने लगेगी और पेज प्रिंट आएगा। एग्जिट बटन करता है एग्जिट करने का, और इस एप्लीकेशन विंडो को एग्जिट करने का काम। तो ये कमांड्स हैं न्यू, नई फाइल खोलने के लिए, ओपन पहले से बनी हुई फाइल, सेव या सेव एज फाइल को सेव करने के लिए,
सेवर में हम दूसरी तरह दूसरे फॉर्मेट से यानी HTML बैच फाइल वगैरह में भी इसे सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप से प्रिंट, पेज की सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कमांड से हम प्रिंट देंगे और एग्जिट से बंद हो जाएगा। अगला मेन्यू है अपना एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू करवाने से पहले मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि मैं आपको वो अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अब हम करते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में सबसे पहला जो, अब देखिए सपोज दैट ये मुझसे बाई मिस्टेक डिलीट हो गया, तो एक तो तरीका है आप इसे वापस से टाइप करें, दूसरा तरीका क्या आप एडिट मेन्यू में जाकर एडिट मेन्यू में क्या कर दीजिए, अंडू कमांड पर क्लिक कर दीजिए तो वो पीछे आ जाएगा। एडिट मीन्स वन स्टेप रिवर्स, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। उसके बाद अगली कमांड है कट। कट कमांड काम में करती किसी आप फाइल में अपनी लाइन को या टेक्स्ट को मूव करके नई जगह पर ले जाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए उसको, कट पे क्लिक कीजिए और कर्सर वहां रखिए जहां उसे ले जाना चाहते हैं। एडिट मेन्यू में जाइए और पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए तो एडिट मेन्यू हो जाएगा। उसके बाद तो कट करने के बाद जो टेम्परेरी टाइम के लिए जो फाइल है वो क्लिपबोर्ड में चली जाती है। उसके बाद अगला है एडिट मेन्यू में कॉपी कमांड। तो कॉपी कॉपी करने के लिए होती है, टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कमांड इसके लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। उसके बाद अगला कमांड है पेस्ट। तो कट और कॉपी करते हैं तो डाटा क्लिपबोर्ड में जाता है तो क्लिपबोर्ड से उसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम यूज कर रहे हैं डिलीट कमांड, जैसे लाइन हटानी है तो सेलेक्ट कीजिए और डिलीट या कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो भी आप डिलीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है फाइंड। उसके लिए मैं कुछ वर्ड्स टाइप कर रही हूँ फिर बताती हूँ आपको। फाइंड के लिए देखो जैसे मुझे इस फाइल में कोई वर्ड फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो मैं इसको लिख रही हूँ, फाइंड करेंगे अपने इसको तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आपको अपनी अगली लोकेशन पे मिलता जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन अप या डाउन, मतलब कर्सर से ऊपर की तरफ फाइंड करना है या कर्सर से नीचे की तरफ फाइंड करना है, तो अपने अप या डाउन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर कर्सर मैं नीचे रखती हूँ पहले, अब ऊपर की तरफ करना है तो देखिए फाइंड नेक्स्ट ऊपर ले जा रहा है, और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो कर्सर की पोजीशन है वो नीचे की तरफ फाइंड कर रहा है उसको। उससे अगला ऑप्शन है आपका मैच केस। मैच केस में क्या होता है, केस क्या होता है, जैसे अपने स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं तो वो क्या होता है मैच केस। जैसे स्मॉल लेटर में लिखा है तो अब यहाँ डॉक्यूमेंट में सिर्फ स्मॉल लेटर वाला ही फाइंड करेगा वो टेक्स्ट फाइल में, ना कि बड़े या छोटे वर्ड्स को ये फाइंड नहीं करेगा। तो मैच केस का मतलब जहाँ जहाँ छोटे लेटर्स में लिखा है वो ही फाइंड करेगा, मीन्स जो आपने फाइंड वर्ड के अंदर लिख रखा है सेम उसी केस में टेक्स्ट में फाइंड करेगा आपका फाइंड नेक्स्ट। आप फाइंड नेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और F3 बटन या इधर से भी क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है अपना रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन काम में आता है अगर आप किसी वर्ड को नए शब्द वर्ड से रिप्लेस करना चाहें तो आप किस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस बटन पे। तो फाइंड वर्ड जैसे डिस्टेंस को मुझे स्पेस से रिप्लेस करना है तो सबसे पहले मैं उसको ढूंढूंगी वो कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँ, नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अब रिप्लेस पे क्लिक करूंगी। मीन्स हम यहाँ क्या एक एक वर्ड ढूंढ सकते हैं कहाँ है, अगर मुझे उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, अदरवाइज फाइंड नेक्स्ट। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट में सारा कुछ ही आपने चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ डिस्टेंस होगा आपसे बिना नोटिफाई किए डायरेक्ट स्पेस में बदल देगा। उसके बाद है गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन काम तब करता है जब वर्ड रैप ऑप्शन बंद होता है। तो गो टू लाइन नंबर में जाने के लिए, जैसे अभी लाइन नंबर 1 में हो आप स्टेटस बार पे देख सकते हो, अगर मैं 5 नंबर लाइन पे जाना चाहती हूँ तो मैं लाइन नंबर पे क्लिक करूंगी, लाइन नंबर पे क्लिक करूंगी 5, 5 पे क्लिक करके, 5 पे क्लिक करके और लाइन नंबर 5 पे आ जाएंगे, ठीक है, एडिट मेन्यू हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल कर दिया, सॉरी मैं थोड़ा सा, और टाइम एंड डेट इंसर्ट करने के लिए आप F5 प्रेस कर सकते हैं तो डेट एंड टाइम इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एडिट मेन्यू है आपका कंप्लीट। इस तरह से हम एडिट मेन्यू की कमांड्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू क्या करता है, फॉर्मेट मेन्यू फर्स्ट ऑप्शन वर्ड रैप है। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने आपको बता दिया था वर्ड रैप क्या करता है, ऑटोमेटिकली रैप करने का काम करता है टेक्स्ट को, तो उससे क्या होता है वो वर्ड रैप ऑप्शन काम करता है। अभी देखिए वर्ड रैप ऑफ है तो हमें स्क्रोल बार के थ्रू इसको पढ़ना पड़ रहा है। आप इसे अप या डाउन, मतलब लेफ्ट राइट कर रहे हैं, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ तो आप देखेंगे वो अगली लाइन में नहीं आ रहा, वो पेज आगे खिसके जा रहा है और मुझे उसको पढ़ने में क्या होगा, कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम वर्ड रैप ऑप्शन को ऑन करते हैं। वर्ड रैप ऑप्शन ऑन करते ही जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो फिर हमें इसको स्क्रोल नहीं करना पड़ता,
इसका आपका जो लेफ्ट राइट स्क्रोल है वो डिसेबल हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे इसका जो अप डाउन स्क्रोल बार है वो इनेबल हो जाता है, क्योंकि आपको पेज को ऊपर नीचे करके पढ़ना पड़ता है। तो ये वर्ड रैप ऑप्शन है। उससे अगली कमांड है फॉन्ट। फॉन्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉन्ट में तीन कमांड होती है, फॉन्ट का फेस, स्टाइल और साइज। फॉन्ट फेस को आप इस लिस्ट से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके अलावा फॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए डायरेक्ट अगर आपको फॉन्ट का नाम पता है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन टाइप कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं टाइम्स न्यू रोमन टाइप करूंगी तो फॉन्ट क्या हो जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन। उसके अलावा हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, रेगुलर में लिखा हुआ है इटैलिक करेंगे तो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। उसके अलावा हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड में क्या होता है, पहले से कुछ गहरा हो जाता है टेक्स्ट, और उससे अगला ऑप्शन बोल्ड इटैलिक है, जिसमें गहरा भी रहेगा और इटैलिक भी मैं रेगुलर कर रही हूँ। अब बात करते हैं साइज की, तो इसमें जो प्री डिफाइंड साइज है वो मिनिमम 8 है, और मैक्सिमम इसमें जो प्री डिफाइंड साइज है वो 72 है। इसके बीच में आप कोई भी फॉन्ट साइज सेलेक्ट करिए और वो फॉन्ट साइज आपके डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 28 नंबर फॉन्ट किया और वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, और अगर अब मैं इसको 36 कर रही हूँ तो वो फॉन्ट साइज सपोज दैट मुझे मेरे अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए आप यहाँ अपनी तरफ से टाइप करके भी अपना फॉन्ट साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आपका फॉन्ट कमांड है। फॉन्ट में फेस, साइज और व्यू में स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको तभी दिखाई देगा जब आप वर्ड रैप ऑप्शन को बंद रखेंगे। जब तक वर्ड रैप ऑप्शन ऑन है आप स्टेटस बार नहीं देख सकते। देखिए, वर्ड रैप बंद करते स्टेटस बार आ गया। तो व्यू में अगर आपने स्टेटस बार नहीं देखना तो डिसेबल कर दीजिए, अगर देखना है तो आप इसे क्या कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए। हेल्प मेन्यू में अबाउट नॉट पैड, इसमें हम ये देख सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है कंप्यूटर में और उसका वर्जन कौन सा है, ये चीज हम इसमें देख सकते हैं अबाउट नोटपैड में। हेल्प मेन्यू में अगला जो कमांड होता है वो होता है व्यू हेल्प। तो व्यू हेल्प जो कमांड है, व्यू हेल्प कमांड में नोटपैड से रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सॉरी टॉपिक्स आ जाते हैं। नोटपैड से रिलेटेड किसी भी कमांड का अगर आपने हेल्प लेनी है तो आप हेल्प मेन्यू में देख सकते हैं। तो अपना आज का ये जो टॉपिक था ये था नोटपैड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।